सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो उनके पिता ने एफआईआर कराई है उससे एक बात तो साफ है कि परिवार जो है वो रिया से काफी निराश है, नाराज है और वो चाहता है कि रिया की गिरफ्तारी हो। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जो पारिवारिक वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि रिया को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा अब उनके जो भाई नीरज है उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। उन्होंने दरअसल एक मीडिया हाउस में इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि रिया की जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, मेरे भाई सुशांत, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का से फर्जी रिश्ता रखकर उसके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन किए। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये रिश्ता पूरा का पूरा फर्जी था, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी, कुछ रिश्ता भी ये रियल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पैसे के आदान प्रदान के लिए ही, आदान प्रदान भी नहीं कहूँगी, पैसा लेने के लिए ही इस रिश्ते को कायम किया गया था। क्योंकि जो उन्होंने लाइन कही है, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से फर्जी रिश्ता रखकर अपने उसके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन किए, तो उनके पिता ने भी यही बात उठाई है। हालांकि वकील का ये कहना है कि हमें पैसों में वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, परिवार को, लेकिन जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तो हमें समझ में आया कि उसके अकाउंट से लॉकडाउन के दौरान जो है 15 करोड़ रुपये गायब हुए हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन में जब सभी अंदर हैं तो ऐसे में 15 करोड़ रुपया खर्चा करने का स्कोप कहाँ है? क्या मुंबई पुलिस को ये बात नज़र नहीं आई? और इसी सारे सवालों को उठाते हुए एफआईआर दर्ज की गई और अब जो है उनके भाई ने भी यही बात उठाई है कि ये पूरा रिश्ता फर्जी था और सिर्फ अकाउंट से पैसे ही ट्रांजेक्शन किया गया है, सिर्फ पैसा ही निकाला गया है। और इसी बात को उन्होंने लिखा है और उनको लगता है कि अब इसमें वाकई में सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए। पर एक बहुत बड़ी बात जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने कही है कि परिवार ने कहीं पर भी सीबीआई की मांग नहीं की है, वो चाहता है कि एक एसआईटी गठित हो, लेकिन सीबीआई की मांग वो नहीं कर रहे, उनको पटना पुलिस पर विश्वास है और अगर पटना पुलिस भी 10-15 दिन में कुछ नहीं कर पाई तो सीबीआई की मांग जो है परिवार करेगा।